रुक करेंगे खबरों का। आज असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन इस पर्व पर बारिश खलल डाल सकती है। दशहरे पर बारिश का साया पड़ सकता है। रावण दहन में बारिश खलल डाल सकता है। एमपी के 37 जिलों में आज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मानसून की विदाई के बीच दो सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं। शुक्रवार को कई शहरों में बारिश हुई और कुछ जिलों में दो दिन तक पानी का अनुमान भी जताया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। टेम्परेचर भी डाउन होगा, मौसम सुहावना बना रहेगा, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, उमस से भी राहत मिलेगी। लेकिन ये जो त्योहारी सीजन चल रहा है और आज जो दशहरे का पर्व है, उस पर ये बारिश खलल जरूर डाल सकती है। तो रावण दहन में बारिश खलल डाल सकती है और एमपी के 37 जिलों में आज बारिश के आसार है। जगह जगह दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं, आज प्रतिमा विसर्जित भी की जानी है, दशहरा भी निकाला जाएगा, चल समारोह होगा, कई जगहों पर झांकियों का भी आयोजन किया गया है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। लेकिन इन सब में बारिश थोड़ा बहुत खलल जरूर डाल सकती है। हालांकि तेज बारिश के आसार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बूंदाबांदी भी होती है और छुटपुट बारिश भी होती है तो भी लोगों को समस्या हो सकती है, क्योंकि रावण दहन होगा और इस बीच बारिश हो गई तो समस्या हो सकती है। एमपी के 37 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। सुबह से ही ठंडी हवा का असर देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना लाइव जुड़ी है, सीधा रुख करते हैं। रंजना, वैसे तो आज असत्य पर सत्य का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना है, कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम है, दशहरे का चल समारोह भी निकाला जाएगा, रावण दहन भी होगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई तो इस सब पर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए ऋषभ, फिलहाल विजयादशमी के पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हैं। रावण सजकर तैयार हो गए हैं और छोटे से लेकर बड़े से बड़े जो रावण है वो इस बार तैयार किए गए हैं, क्योंकि लोग अपनी कॉलोनी में और जगह जगह पर जो रावण दहन है वो करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड पर करीब 50, 60 और 110 फीट से ज्यादा के जो रावण है वो सजे हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा बारिश का जो खलल है वो आज रावण दहन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिलहाल कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी को लेकर जो अलर्ट है, जो चेतावनी है वो जारी की है। भोपाल में हल्की हल्की बूंदाबांदी होने की जो संभावनाएं हैं ऋषभ, वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई हैं। लेकिन इंदौर की अगर बात कर ली जाए, हरदा की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है और आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर रावण दहन के वक्त जो बारिश होती है या बूंदाबांदी होती है तो वाकई थोड़ा सा जो विजयादशमी का पर्व जिस तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है उसमें थोड़ा सा खलल पड़ता हुआ नजर जरूर आ सकता है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जो लोग हैं उनके उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही और सभी धूमधाम से इस पर्व को मनाने को लेकर तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और शाम के वक्त का इंतजार है जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे और रावण दहन के लिए अलग अलग जो ग्राउंड है वहां पर पहुंचेंगे। ऋषभ, बिल्कुल रंजना, और कुछ देर पहले अपने दर्शकों को हम इंदौर की तस्वीर दिखा रहे थे जहां भरी बरसात में लोग गरबा कर रहे थे और आनंद ले रहे थे, यानी कि इस बारिश का असर गरबे में नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे ही इतना भव्य त्योहार, जब इतना बड़ा त्योहार है तो ऐसे में ये बारिश भी त्योहार में ज्यादा खलल तो नहीं डाल पाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत असर जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो रावण बनकर तैयार हो चुके हैं और जगह जगह दशहरे की तैयारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि थोड़ी बहुत बारिश जरूर हो सकती है, और अगर थोड़ी बहुत बारिश हुई तो इसका असर आज के पर्व पर भी पड़ सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से